पिछले लेक्चर में हमने जाना कि हम प्रायोरिटी इंटरप्ट को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के माध्यम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रायोरिटी uh, इंटरप्ट को इम्प्लीमेंट करें तो हम पोलिंग प्रोसेस यूज करते हैं और जब हम हार्डवेयर तो, प्रोसेस के माध्यम से प्रायोरिटी इंटरप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं तो टेजी चेनिंग और पैरेलल प्रायोरिटी के माध्यम से प्रायोरिटी को रिजॉल्व किया जाता है तो आइए शुरुआत करते हैं डेजी चेनिंग से डेजी चेनिंग मेथड में जितने भी डिवाइसेस प्रायोरिटी इंटरप्ट से जुड़े होते हैं वो सब के सब सीरियल फैशन में जुड़े होते हैं जैसा कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं जिस डिवाइस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है वो सीरियल ऑर्डर में जब ये जुड़े होते हैं वो सबसे सबसे पहले जुड़ा होता है फिर डिवाइस नंबर वन से कम जिस डिवाइस की प्रायोरिटी है और डिवाइस नंबर थ्री से ज्यादा है यानी डिवाइस नंबर टू वो सीरियली नंबर टू में जुड़ा होता है इस तरीके से जितने भी डिवाइसेस हैं अपनी प्रायोरिटी के आधार पर सीरियल फैशन में इस तरीके से डिवाइस वन डिवाइस टू डिवाइस थ्री इस तरह से जुड़े रहते हैं तो डेजी चेनिंग में जिस डिवाइस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वो चेन में सबसे पहले नंबर पर होगा और सबसे लास्ट नंबर पर वो डिवाइस होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है यहां पे आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं ये जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है, है, सभी डिवाइसेस के लिए कॉमन यानी कि सारे डिवाइसेस इस इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं जब भी इनमें से कोई भी डिवाइस या एक से ज्यादा डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करता है तो ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन लो स्टेट में चली जाती है और इसके लो स्टेट में जाने से ये जो सीपीयू है इसे एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट प्राप्त होती है और जिस समय ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन हाई स्टेट में होती है तो सीपीयू को कोई भी इंटरप्ट प्राप्त नहीं होता यानी कि अगर डिवाइसेस में से कोई भी डिवाइस इंटरप्ट जनरेट नहीं करेगा तो कोई भी इंटरप्ट पेंडिंग नहीं होगा जब कोई डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करेगा ही नहीं और ये इंटरप्रिक्वेस्ट लाइन हाई स्टेट में होगी तो सीपीयू को इंटरप्ट सिग्नल प्राप्त होगा ही नहीं सीपीयू को कब इंटरप्ट सिग्नल प्राप्त होगा जब इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा डिवाइस इंटरप्ट को जनरेट करेंगे और इंटरप्रिक्वेस्ट लाइन लो स्टेट में चली जाएगी जब भी सीपीयू को इंटरप्ट प्राप्त होता है सीपीयू इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट लाइन सिग्नल की मदद से इस इंटरप्ट को एक्नॉलेज करता है यानी जब भी सीपीयू को इंटरप्ट प्राप्त होता है वो इस इंटरप्ट जो लाइन है इसे इनेबल कर देता है अब आप, आप इस ब्लॉक डायग्राम को गौर से देखिए यहाँ पे तीन डिवाइसेज दिखाए गए हैं जो कि सीरियली जुड़े हुए हैं इस डेजी चेनिंग मेथड के अरेंजमेंट में तो ये डिवाइस जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है डिवाइस वन है उसके बाद डिवाइस टू उसके बाद डिवाइस थ्री इस तरह से इसमें आप कितने भी डिवाइस जोड़ सकते हैं हर डिवाइस में जो इनपुट है दैट इज पी आई दैट इज और जो आउटपुट है वो पी ओ है और हर डिवाइस का ये वेक्टर एड्रेस जनरेट करता है जब भी इस, जब भी इसको इनेबल किया जाए तो क्योंकि ये सीरियली प्रायोरिटी के आधार पर जुड़े हुए हैं जो इनेबल है, तो है। तो है, किया गया है तो पी सिग्नल इनपुट पे वन रहेगा इनिशियल सबसे पहले डिवाइस की अगर इस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया है और इस पर कोई इंटरप्ट जनरेट करने के बाद कोई सर्विस रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो वो इस इंटरप्ट एक्नोलॉजमेंट को ब्लॉक कर देगा और जो इसका पीओ यानी प्रायरिटी आउटपुट है इस सिग्नल को जीरो कर देगा और अगर इस डिवाइस ने कोई भी इंटरप्ट जनरेट नहीं किया है यानी कि कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट इसमें पेंडिंग नहीं है तो ये पीओ की वैल्यू वन कर देगा पीओ की वैल्यू वन तभी होगी जब इस डिवाइस ने कोई भी इंटरप्ट जनरेट ना किया हो तो ये पीओ क्योंकि जो पहले डिवाइस का पीओ है वो सेकेंड डिवाइस के पी आई इनपुट से इसका आउटपुट इसके इनपुट से जुड़ा है तो इसको वन सिग्नल प्राप्त होगा फिर अगेन अगर इस डिवाइस ने जनरेट किया है और कोई सर्विस रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो ये अपना आउटपुट पीओ को जीरो कर देगा और अपना वेक्टर एड्रेस इस बस में प्रोसेसर बस में ट्रांसफर कर देगा और अगर नहीं किया है तो वो क्या करेगा पीओ को वन कर देगा पीओ वन कब होता है जब इस डिवाइस ने इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट ना की हो तो इस प्रकार यह तीसरे डिवाइस के पास जाएगा उससे फिर पूछेगा इस तरह से यह तब तक अगले डिवाइस के पास जाता रहेगा जब तक इस इंटरप्ट एक्नोलॉजमेंट को कोई ब्लॉक ना करते इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट की है तो इनमें से किसी एक डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया होगा जिस भी डिवाइस ने किया होगा उसके पास वो प्रायोरिटी से चला जाएगा, से पोल करता रहेगा ऐसा कब तक करता रहेगा जब तक वो डिवाइस नहीं मिल जाता जिसने इंटरप जनरेट किया हो और अगर एक से ज्यादा डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया हो तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वो उसकी रिक्वेस्ट को ही सर्विस किया जाएगा यानी कि उस डिवाइस का पी आई इनपुट वन होगा और पीओ आउटपुट जीरो होगा जिसने इंटरप्ट जनरेट किया है और जो भी डिवाइस इंटरप को जनरेट करता है वो अपना वेक्टर एड्रेस यानी कि अपनी सर्विस रूटीन का एड्रेस प्रोसेसर डेटा बस में ट्रांसफर कर देता है जो कि सीपीयू के पास पहुंच जाता है अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे यह प्रायोरिटी को रिजोल्व करता है मान लीजिए एक ही समय में डिवाइस वन और डिवाइस टू दोनों ने इंटरप्ट जनरेट किया जैसे ही इंटरप्ट जनरेट किया ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन लो स्टेट में आ जाएगी जैसे ही लो स्टेट में आएगी सीपीयू को इंटरप्ट सिग्नल प्राप्त होगा इंटरप्ट सिग्नल प्राप्त होने पर सीपीयू इंटरप्ट टेक्नोलॉजमेंट लाइन जो है इसे इनेबल कर देगा अब चूंकि ये सीरियली जुड़े हुए हैं तो वेक्टर ये जो डिवाइस वन है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है डिवाइस टू से तो पहले जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का डिवाइस होता है उसी के पास ये इंटरप्ट टेक्नोलॉज सिग्नल जाता है तो पी आई वन हुआ अब चूंकि डिवाइस वन और डिवाइस टू दोनों ने इंटरप्ट जनरेट किया था क्योंकि डिवाइस वन की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसको प्रिविलेज मिली इससे पहले पूछा गया कि क्या आपने इंटरप्ट जनरेट किया है तो क्योंकि इंटरप्ट जनरेट किया था तो ये पी आई वन है ये पीओ को जीरो कर देगा और अपना वेक्टर एड्रेस यानी कि सर्विस रूटीन का एड्रेस इस डिवाइस के उसको प्रोसेसर डेटा बस में ट्रांसमिट कर देगा अब क्योंकि इसी ने इंटरप्ट को ब्लॉक कर लिया है डिवाइस टू से पूछा ही नहीं गया और डिवाइस टू की क्योंकि डिवाइस टू की प्रायोरिटी कम थी तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रायोरिटी रिजोल्व कर पा रहा है कि दो डिवाइस जब एक साथ इंटरप्ट जनरेट करते हैं तो जिस डिवाइस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसकी रिक्वेस्ट को ही सीपीयू सर्विस करता है तो इस प्रकार डेजी चेनिंग मेथड से हार्डवेयर की मदद से आप प्रायोरिटी इंटरप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं सीरियल फैशन में इस फिगर में आपको इंटरनल अरेंजमेंट दिख रहा है इंटरनल लॉजिक अरेंजमेंट दिख रहा है कि, कि किस प्रकार डेजी चेनिंग मेथड में आप हार्डवेयर की मदद से सीरियल फैशन में प्रायोरिटी को रिजोल्व कर सकते हैं तो ये डेजी चेनिंग डेजी चेन प्रायोरिटी अरेंजमेंट है जो भी डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करना चाहता है वो अपने आरएफ जो सिग्नल है उसको सेट कर देता है सेट कर देता है वो डिवाइस जिसने इंटरप्ट जनरेट करना हो आप देख पा रहे हैं जो आर एफ फ्लॉप का सिग्नल है है ये एक ओपन इन्वर्टर गेट के थ्रू पास हो रहा यानी कि जो भी सिग्नल जो भी स्टेटस आर एफ फ्लॉप की होगी वो सिग्नल को इनवर्ट कर देगा ये वन है तो ये जीरो हो जाएगा इससे पास होने के बाद अगर ये जीरो है तो वन हो जाएगा और इसका आउटपुट प्रायरिटी पीआई सिग्नल के साथ एंड होकर पीओ यानी कि प्रायोरिटी आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है तो आप देख पा रहे हैं पीआई ये है पीओ ये है अगर पीआई की वैल्यू जीरो है तो पीओ की वैल्यू और इस वेक्टर एड्रेस की इनेबल लाइन ये दोनों ही जीरो हो जाएंगी चाहे आर एफ की वैल्यू कुछ भी होती रहे जब पी आई वन है और आर एफ जीरो है तो पीओ वन होगा पीओ वन होता कब है जब उस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट ना किया हो और पी आई वन कब होता है जब उससे प्रीवियस डिवाइस ने उस पी आई सिग्नल को ब्लॉक ना किया हो तो अगर पी आई वन है आर एफ जीरो है तो पीओ वन होगा और जैसे ही ये पीओ वन होगा तो ये जो एक्नोलॉज सिग्नल है ये नेक्स्ट डिवाइस को पास हो जाएगा वही डिवाइस एक्टिव स्टेट में होगा जिसका पी आई सिग्नल और आर एफ सिग्नल दोनों वन हो जब पी आई और आर एफ दोनों वन होंगे तो पीओ जीरो हो जाएगा और साथ में जो वेक्ट एड्रेस की इनेबल लाइन है वो भी इनेबल हो जाएगी और जैसे ही वेक्टर एड्रेस की इनेबल लाइन इनेबल होगी ये जो वेक्टर एड्रेस है जो कि सर्विस रूटीन का एड्रेस है मेमोरी में ये प्रोसेसर डेटा बस में ट्रांसमिट होके सीपीयू के पास पहुंच जाएगा और कुछ टाइम के बाद डिले के बाद जब ये वेक्टर एड्रेस सीपीयू के पास पहुंच जाता है ये आरएफ सिग्नल दोबारा रीसेट हो जाता है तो हमने देखा कि किस प्रकार डेजी चेनिंग की मदद से हम प्रायोरिटी इंटरप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं सीरियल फैशन में अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पैरेलल फैशन में यानी कि पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट के माध्यम से किस तरह से प्रायोरिटी इंटरप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं धन्यवाद